Brigadier Rudra Pratap Singh, you have been relieved of your duty with immediate effect, and a court of inquiry will be ordered against you. What? नहीं हो क्या रहा है? ये इंडियन आर्मी है जंबो सर्कस. The prosecutor major Akash Kapoor will now read the charges against Brigadier Rudra Pratap Singh. दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोर्ट मार्शल क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि जिनके साथ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाती है उनके साथ क्या क्या होता है? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको आर्मी कोर्ट मार्शल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, स्टडी प्लान और बहुत सा कॉन्टेंट मिलता है जो आपको डिफेंस एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोर्ट मार्शल का नाम सुनते ही अलग अलग तरह के विचार मन में आने लगते हैं। ये क्या होता है? किन लोगों को कोर्ट मार्शल किया जाता है? और कोर्ट मार्शल के बाद आखिर होता क्या है? दोस्तों, कोर्ट मार्शल आर्मी पर्सनल्स के लिए एक कानूनी कार्रवाई है जो एक नागरिक अदालत के मुकदमे के समान है। ये आमतौर पर गंभीर आपराधिक मामलों के लिए कार्रवाई करती है। आर्मी कोर्ट्स अपने आर्मी एक्ट के अकॉर्डिंग अपने पर्सनल को नागरिक की हत्या और बलात्कार को छोड़कर सभी प्रकार के अपराधों के लिए मुकदमा चला सकती हैं, जिन पर एक सिविल कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाया जाता है और सजा दे सकती हैं। इसके अलावा युद्ध अपराधों के लिए युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट मार्शल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय सेना में चार तरह के कोर्ट मार्शल होते हैं। जनरल कोर्ट मार्शल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, समरी जनरल कोर्ट मार्शल और समरी कोर्ट मार्शल। किसी अपराध के लिए किए जाने की स्थिति में जिसका किसी सीनियर मिलिट्री अथॉरिटी द्वारा संज्ञान लिया जाता है और रिपोर्ट की जाती है, जिसके बाद एक सक्षम अथॉरिटी एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश देता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है समरी ऑफ एविडेंस का आदेश देना, और यदि फिर उसके बाद आवश्यक हो तो कोर्ट मार्शल का आदेश देना होता है। मुकदमा किस पर चलाया जा सकता है और कौन एक विशेष प्रकार के कोर्ट मार्शल का आदेश दे सकता है, ये पूरी तरह से कानून की किताबों में विवरण के आधार पर तय किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं समरी कोर्ट मार्शल की। SCM का आदेश कम से कम लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा सिपाही से लेकर हवलदार तक के लिए दिया जा सकता है। CO अदालत बुलाता है और खुद न्यायाधीश बन अभियुक्तों और गवाहों की जाँच करता है और सजा दे सकता है, जिसमें से एक साल की कैद के साथ सेवा से बर्खास्तगी हो सकती है। पूरी प्रोसेस में सिर्फ एक बैठक होती है। जजमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है, अर्थात हिरासत में लिया जाता है और सिविल पुलिस को सौंप दिया जाता है। हालांकि व्यक्ति को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने सुपीरियर अथॉरिटी को अपील करने के लिए कागजात भी सौंपे जाते हैं। समरी जनरल कोर्ट मार्शल SGCM टुकड़ियों द्वारा ऑपरेशनल एरियाज या युद्ध में होता है। कम से कम 3 अधिकारी कोर्ट का गठन करते हैं। मुकदमा तेजी से चलता है और देशद्रोह, किसी पोस्ट को छोड़ने, संतरी ड्यूटी पर सोने आदि के मामलों में सजा दी जा सकती है। अब हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल के बारे में। DCM वारंट रैंक तक के पर्सनल्स के ट्रायल के लिए बुलाई जाती है। ये विशेष रूप से ब्रिगेडियर इन कमांड द्वारा उनको मिली पावर्स के अधीन बुलाई जाती है। जज के रूप में कम से कम 3 अधिकारी होते हैं और साथ ही एक जज एडवोकेट ब्रांच अधिकारी भी मौजूद होता है। 3 अधिकारियों में से सबसे सीनियर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। सजा के तौर पर बर्खास्तगी और 3 साल तक की कैद हो सकती है। हालांकि फैसले को निर्धारित अथॉरिटी द्वारा अप्रूव किया जाना होता है। साथ ही उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जनरल कोर्ट मार्शल की। GCM मेजर जनरल और उससे ऊपर के अधिकारियों को मिली कमांड शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुलाई जाती है। GCM सभी रैंक्स का ट्रायल कर सकती है, बशर्ते कि उसके पास ऐसा करने की पावर्स हो। यानी लेफ्टिनेंट जनरल के ट्रायल के लिए इसे COAS होना चाहिए। अदालत में 5 अधिकारी और एक जज एडवोकेट ब्रांच अधिकारी होंगे। सभी 5 अधिकारियों को रैंक में सीनियर या आरोपी के बराबर होना चाहिए। सीनियर मोस्ट अफसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। GCM के पास 14 साल की उम्र कैद या मौत की सजा देने का अधिकार है, लेकिन मौत की सजा की सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। DCM और GCM की प्रोसीडिंग्स सिविल कोर्ट की ही तरह होती है। हालांकि आरोपी को किसी भी जज को शामिल किए जाने का विरोध करने और उसको बदलने की मांग करने का अधिकार है। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों का रिप्रेजेंटेशन योग्य वकीलों द्वारा किया जाता है। गवाहों की गवाही और बहस की जाती है।
जज एडवोकेट जनरल ऑफिसर्स कानून और प्रक्रिया के मुद्दों पर केवल एक सलाहकार के रूप में जजेस के साथ बैठते हैं। सिविल की तरह ही ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाया जाता है और इसमें महीनों लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आर्मी कोर्ट मार्शल के बारे में रोचक जानकारी कि किस तरह आर्मी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।